नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे गृह विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर, किशोरावस्था में विकास। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था के अंतर्गत कौन कौन से विकास होते हैं और किशोरावस्था जो होती है वो कब से कब तक की अवधि होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। किशोरावस्था में विकास, तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। नेक्स्ट है हमारा यौन विकास, और नेक्स्ट है हमारा गत्यात्मक विकास। बच्चों, हम गत्यात्मक विकास को ही गामक विकास भी कहते हैं, गामक विकास। तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक सा समझते हैं। किशोरावस्था कहते किसे हैं? 13 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। 13 से 16 पूर्व किशोरावस्था और 17 से 21 तक उत्तर किशोरावस्था होती है। ठीक है, हम देख रहे हैं गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है, किशोरावस्था में यौन विकास क्या होता है और किशोरावस्था में ही गत्यात्मक विकास या फिर गामक विकास भी क्या होता है। तो देखो बच्चों, 13 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है वह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है, विकसित बनता है और उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक चीजों के बारे में, देखते हैं। जो किशोरावस्था कहते किसे हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि किशोरावस्था कहते किसे हैं, तो देखते हैं अपन बच्चों। तो किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था उसे अपन कहते हैं एडोलेसेंट एज। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट एज। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि जो किशोरावस्था शब्द है उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट शब्द। और जो एडोलेसेंट शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो बच्चों, यह एडोलेसेंट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है। अब क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, तो किशोरावस्था का अर्थ होता है बच्चों बढ़ना या विकसित होना, बढ़ना या विकसित होना। मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ बच्चों, किशोरावस्था जो शब्द है उसे अपन अंग्रेजी में एडोलेसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एडोलेसेंट शब्द है उसे अपन कौन सी भाषा में ये शब्द बना है? तो यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। एडोलेसेंट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, तो किशोरावस्था का अर्थ होता है बच्चों बढ़ना या विकसित होना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था जर्सील्ड। क्या नाम था? जर्सील्ड। तो जर्सील्ड जी ने क्या कहा था? जर्सील्ड जी ने कहा कि किशोरावस्था वह अवस्था है
जो बाल्यावस्था से, अब बाल्यावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है, यह अवस्था बच्चों 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है उससे लेकर के युवा अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं किशोरावस्था। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं कि जर्सील्ड जी के शब्दों में, जर्सील्ड कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जर्सील्ड के अनुसार ये एग्जाम में आते हैं तो आपको इनके मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं एज इट इज। ठीक है, तो जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो जर्सील्ड जी क्या कहते हैं, जर्सील्ड जी कहते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है, मतलब एडोलेसेंट वह एज होती है जिसके अंदर एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता का मतलब क्या होता है बच्चों, मैच्योरिटी। जैसे जैसे एक बालक और एक बालिका बड़े होते जाते हैं वो एक युवत्व को प्राप्त करते जाते हैं, वो युवावस्था जो अडल्ट एज होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं अपन, किशोरावस्था कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार कॉपी के अंदर कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था क्या मतलब कि 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे अपन बाल्यावस्था बोलते हैं बच्चों, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे अपन उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी हो गई, बाल्यावस्था हो गई, और 12 वर्ष के बाद की अवस्था कौन सी हो गई, 13 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था हो गई अपनी किशोरावस्था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।